नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल और मुबारक स्नैक्स सेवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, मैं उड़ीसा में था, उसके बाद में आया हूँ झारखंड, वेस्ट बंगाल होकर मैं फिर झारखंड में आया हूँ पंचेत डैम। तो मुबारक सर ने एक स्नैक रेस्क्यू किया था देर रात। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने भारत देश का सबसे खूबसूरत सांप, जिसे महाराष्ट्र में उड़ता सोन सर्प इस नाम से जानते हैं, मराठी में, इंग्लिश में ऑर्नेट फ्लाइंग स्नैक, ऑर्नामेंटल फ्लाइंग स्नैक जी, इस नाम से जानते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सांप है, आप नज़दीक से दिखाइए उसको। तो कलर उसका देखिए, अलग अलग कलर में आपको दिखाई देगा। ब्लैक शेड है, हल्का सा लाल भी है, हल्का सा पीला दिखाई देगा। बड़ा ही खूबसूरत सांप और बहुत कम देखने को मिलता है हमारे महाराष्ट्र में, बहुत रेयर है। बहुत मानो मुझे लगता है भारत देश में बहुत रेयर सांप है। और ज़्यादातर ये पेड़ पर रहता है, दिन में भी एक्टिव रहता है और रात में भी एक्टिव रहता है। इसका पसंदीदा खाना जो है, जैसे कि चूहा हो गया, मेंढक, और जो ये है ना, छिपकली। छिपकली, छिपकली ज़्यादातर पेड़ों पर जो छिपकली होता है, फॉरेस्ट छिपकली है ना जी, जो फॉरेस्ट का छिपकली जो होता है वो ज़्यादातर ये खाता है। और ये जंगलों में रहना पसंद करता है, भूल चूक से जंगलों के आसपास जो बस्ती है उसके झोपड़ों में या उनके जो घर होते हैं घर के आसपास ही आ जा सकता है जी। तो उस दौरान इसका रेस्क्यू का मौका मिलता है। लेकिन भारत देश में देखा जाए तो बहुत ही रेयर इसका रेस्क्यू का मौका मिलता है, बहुत ही रेयर। कुछ लोग पकड़ के लाते हैं फिर दिखाते हैं, लेकिन रेस्क्यू का मौका मैं कहता हूँ कि बहुत ही कम। आपने यूट्यूब पर इसकी वीडियो भी बहुत कम देखे होंगे। तो चलिए आगे की जानकारी और बताएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सांप रेस्क्यू किए ये वाले। एक्चुअली ये धनबाद है, फॉरेस्ट एरिया है, और तोपचांची का आजू बाजू कहीं ना कहीं किसी के घरों में आ जाता है। तो ये हमारे डिस्को स्नैक सेवर इनका ये यूट्यूब चैनल है, और उसको ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, इस पर एक कहानी है सर, 500 साल पुराना कहानी है कि राजा लखिंदर को काट लिया था, है ना, ये स्टोरी है। तो उस स्टोरी पर आज ना जाएं, आज का जो स्टोरी है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, इल्म ज्ञान दें। बच्चों को खिलौना नहीं दीजिएगा तो रोएगा, सही बात, बिल्कुल। बच्चों को खिलौना नहीं दीजिएगा तो रोएगा, अगर संस्कार नहीं दिए यकीन मानिए जिंदगी भर रोएगा, बिल्कुल। इसीलिए एक टाइम मत खाइए। हाँ हाँ, और हम चाहते हैं कि आकाश सर के हाथों इसे रिलीज करवाना, क्योंकि इसी फॉरेस्ट में ये हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। तो फिर एक बार देखिए किस तरह सांप दिखाई देता है हमारे धनबाद की। ये जो स्नैक सेवर है, डिस्को स्नैक सेवर नाम से इनका चैनल है, ज़रूर विजिट करें। देखिए, स्नैक सेवर कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता जी। लोग कहते हैं कि वो फेमस हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज गए तो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी उतना ही काम कर रहा है, हम भी उतना ही काम कर रहा है। लोग मुझे बोलते हैं आप 5 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत बड़े, नहीं नहीं, मेरे से बड़े भी यहाँ पर खड़े हैं जो लगभग नहीं नहीं 30-35 साल से काम कर रहे हैं, बड़ा तजुर्बा है। देखिए, मेरे से भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्नैक सेवर है, ऐसा नहीं। जिनको सांप के बारे में ज़्यादा नॉलेज है वही बड़ा स्नैक सेवर है, यानी जिसके ज़्यादा फॉलोअर है वो बड़ा नहीं होता, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यह हल्का बिसैला है, सेमी वेनमस बुक में दिया हुआ है, इसलिए जाके डायरेक्ट मत छुइएगा, नहीं तो काट लेने से नींद का आभास होगा। लेकिन उसी आदमी को 10-20 आदमी अगर डरा देना, हार्ट अटैक से मौत हो जाएगा, यही होता है। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, और हम सर से चाहेंगे, सर इधर छोड़ दीजिए, फिर एक बार इसका नाम बता रहा हूँ, हमारे महाराष्ट्र में से उड़ता सोन सर्प मराठी में, ये सेमी वेनमस यानी कम जहरीला है, इसमें कम जहर होता है, बहुत ही कम, इससे आदमी मारा नहीं जा सकता जी जी, लेकिन डर जाएगा तो मर जाएगा जी। इसलिए बिना जानकारी के किसी ने भी कोई सांप नहीं, एकदम सही बात, एकदम सही बात, कोई किसी ने भी बिल्कुल नहीं पकड़ना है। चलिए, इस प्यारे से खूबसूरत से सांप को हम रिलीज करेंगे, और ये सांप देख करके आपको कैसा लगा, और इसके बारे में ये जानकारी जो हमने आपके आपके पास पहुंचाई है, ये जानकारी कैसी लगी, ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जो भी मुझे झारखंड से देख रहा है, धनबाद से देख रहा है, उड़ीसा से देख रहा है, जो भी पूरे भारत देश में, हमारे महाराष्ट्र से कौन देख रहा है, किन किन लोगों ने सांप नहीं देखा और आज देखने को मिला, ज़रूर कमेंट करना। पूरे भारत देश के लोग जो भी हमें देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करना। इधर चलिए, हमें चला जाएगा आराम से, धीरे धीरे होकर के जंगल में चला जाएगा। पूंछ छू दीजिए सर, पूंछ छू देने से स्पीड पकड़ो, पूंछ छू दीजिए, चलिए आगे आगे आगे, तो देख सकते हैं। चलिए, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा भारत देश जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय भीम,
जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड, जय झारखंड। चलिए।